टॉप 5 स्किल्स जो आपको यूके में सीखकर आना चाहिए कि आपको यूके में अब बहुत डिफिकल्टी होगी। हाँ जी, ड्राइविंग स्किल, हाँ जी 2-3 हज़ार पाउंड लगा दिए यहाँ गाड़ी सीखते सीखते। दूसरी स्किल है जी हेयर कटिंग स्किल्स है, फिफ्थ वो है प्लम्बर की। हाँ जी, वेलकम है जी आप सभी का नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों के मैसेज आए कि प्लीज़ वीडियो हिंदी में बनाया करो, वो पंजाब से अलग स्टेट में हैं तो वो कह रहे कि पंजाबी समझ नहीं लगती, तो हमने डिसाइड किया कि हम हिंदी में बनाया करेंगे। तो हम मेरी पहली वीडियो है ये हिंदी में, तो देखते हैं कैसे बनती है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 स्किल्स जो आपको यूके में सीखकर आना चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। मैंने फ़ोन में लिस्ट बनाई है तो मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा स्किल्स जो आपको इंडिया में सीखकर आने चाहिए, और वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपको 3 से 4 मंथ्स में आ जाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गए यहाँ पर, क्योंकि बिना स्किल्स के आपको यूके में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जॉब ढूंढने में आपको सैलरी भी कम मिलेगी अगर आप करोगे, क्योंकि अगर आप करते हो बिना स्किल्स के जॉब तो जो इसकी नेशनल वेज है तो वो 10.42 है, आपको वो मिलेगी। अगर आप वैसे भी करते हो तो आपको 6-7 पाउंड मिलेंगे। उससे अच्छा है कि आप स्किल सीख कर आओ तो आप जितना पैसे चाहो उतने बना सकते हो। तो उनमें से 1-2 बेसिक स्किल्स है जो सभी को, मतलब लड़के भी सीख सकते हैं और लड़कियां भी सीख सकती हैं वो स्किल। तो जो मैं स्टार्ट करते हैं पहली स्किल से, वो है जी ड्राइविंग स्किल। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है यूके में, क्योंकि यहाँ सारा काम ड्राइविंग का ही होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल है उसके मैं बेनिफिट्स बताऊँगा, क्योंकि उसके बहुत बेनिफिट्स है यहाँ पर, ठीक है। पहला बेनिफिट तो ये है, आपको यहाँ गाड़ी चलानी सीखनी नहीं पड़ेगी। अगर आपको इंडिया में ही आती है गाड़ी तो आपने जब लाइसेंस बनाना तो आप सीधा यहाँ पर ट्राई दोगे, तो 1-2 लेसन लेकर। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो कि आपको इंडिया में नहीं आती गाड़ी चलानी, तो आप शुरू से लेसन लेते हो तो वो बहुत खर्चा पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो कि इंडिया में नहीं सीखी, उन्होंने 2-3 हज़ार पाउंड लगा दिए यहाँ गाड़ी सीखते सीखते, मतलब इंडिया का 2-3 लाख। तो ये स्किल है जो आपको इंडिया सीख करानी चाहिए, ड्राइविंग स्किल। अगर आपको ड्राइविंग आती है इंडिया में तो ट्राई करो आप लाइसेंस बनाकर यहाँ आओ, क्योंकि लाइसेंस के बहुत बेनिफिट है यहाँ, 1 साल में इंडिया का चल जाता है यहाँ पर, तो उसको इंटरनेशनल करा कर आओ। कई लोग देखे हैं वो प्लस टू करते हैं तो सीधा ही बाहर चले जाते हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो कैनेडा हो। पहले ट्राई करो कि आप अपना लाइसेंस बनाओ, तो आप ड्राइविंग सीखो, लाइसेंस बनाओ और उसको इंटरनेशनल कराओ, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप यूके में उसको आ जाओ करा कर। तो उसमें आप वैन चला सकते हो, आप ऊबर कर सकते हो, डिलीवरीज कर सकते हो, ड्राइविंग के बहुत बेनिफिट्स है, ठीक है। तो उसमें आपको जॉब मिलने के भी चांसेस है। ये तो होगी पहली स्किल। दूसरी स्किल है जी हेयर कटिंग। हाँ जी, ये भी बहुत बेनिफिशियल और जैसे कहते हैं फेमस स्किल है यहाँ पर, जो लड़कों को सीख कर आनी चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत इजी है, लड़के सीख सकते हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्किल जॉब में गिनी जाती है। चाहे कनाडा चल जाओ चाहे जहीं मर्जी चल जाओ, जो बार बार है वो स्किल जॉब में गिनी जाती हैं, तो वो जितना चाहे उतना बना सकते हैं, वो आप काम जैसे मर्जी कर सकते हो। उसमें क्या आपको स्किल लानी चाहिए बस, और वो यहाँ बाल और दाढ़ी काटने के 20 पाउंड ले लेते हैं, मतलब इंडिया का 2000। अगर आपने दिन में 5 बंदे भी किए, 5 बंदे आपके पास आए, तो आपको एक दिन का बन गया 100 पाउंड और आपको मंथ का बन गया 3000 पाउंड, ठीक है। तो जब मैं आया था मुझे भी मेरे फ्रेंड ने कहा था कि इसकी ये स्किल सीखकर आओ हेयर कटिंग की, तो तब हमने गौर नहीं की, तो हमने कहा कि सभी कौन सा सीखकर जाते हैं, हम भी ऐसे चले जाएंगे। तो अभी वो रिग्रेट फील हो रहा है कि हमने क्यों नहीं सीखी। तो ऐसे ही आप भी ये मत कहना कि ये बोल रहा है तो हम ये कौन सा सीख कर गया, तो अभी पछतावा हो रहा है। अगर आती होती तो यहाँ कहीं कर लेते काम। जिसके पास मैं आया उसका फ्रेंड भी है, उसकी अपनी शॉप है, वो कह रहा था वहाँ पर लगा देंगे, तो हमने तब भी नहीं गौर की कि चलो कोई बात नहीं देखा जाएगा। पर आप ऐसे मत करना, ठीक है, ये सीख कराना। इसमें गर्ल्स का ऐड कर लेते हैं, वो क्या है, वो सैलून का काम सीख करा सकती हैं, जैसे नेल एक्सटेंशन हो गया, अपना हेयर जो करने होते हैं स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग, उसका काम बहुत है इधर, ठीक है, बहुत काम मिल जाता है यहाँ पर। तो ये ज़रूर सीख कर आओ, ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई अच्छा सा इंडिया में ढूंढो तो वहाँ पर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लो तो आपको आ जाएगा, अगर हो सके तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लेकर आना साथ में।
अब थर्ड स्किल की बात कर लेते हैं, वो है जी कुकिंग। हाँ जी, कुकिंग आपको सीख कर आना चाहिए यूके में, जैसे बर्गर बनाना, पिज़्ज़े बनाना, सैंडविच बनाना, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है यहाँ पर। जो यहाँ के गोरे हैं वो सभी यही खाना पसंद करते हैं, रोटी तो वो खाते नहीं हैं। और जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी कभी कभार बाहर जब जाते हैं घूमने यही खाना पसंद करते हैं। तो और इसकी वैकेंसीज भी बहुत अवेलेबल होती हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है आप कोई भी रेस्टोरेंट में लग सकते हो, जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, इसमें बहुत वैकेंसीज होती हैं। और आप जो ब्रांड्स हैं लाइक KFC, मैकडोनल्ड एंड डोमिनोज, उसमें भी आपको मिल सकती है। मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक डोमिनोज में लगा है, एक मैकडोनल्ड्स में लगा है। उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था और उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनके पास सर्टिफिकेट था बना कर लाए थे, वो शो किया और उनको जो मिल गई, एक को डोमिनोज में मिली है, एक को मैकडी में, और वो उनका काम भी बढ़िया है। और उसका दूसरा बेनिफिट है, उनको खाना भी फ्री मिल जाता है जितना टाइम वो काम करेंगे। लाइक 2-8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें उनको एक मील फ्री मिलती है जितना मर्जी खाओ, और सेकंड में डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये बात मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको सीख कर आना चाहिए, जाइए, आपको इसकी जॉब भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप उसमें अपने ट्राई दे सकती हो, क्योंकि यहाँ खाने की डिमांड है वो बढ़ेगी, तो आपको ये सीखकर आओगे तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। तो ये 3 स्किल बता दी मैंने। तो जो हमारी 4th स्किल है वो है जी कंस्ट्रक्शन की। अगर आप यूके में आ रहे हो तो कंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है यूके को कंस्ट्रक्शन का इनाम देते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो वर्क परमिट में आते हैं, सारे कंस्ट्रक्शन में ही काम करते हैं। तो आपको बेसिक सी स्किल आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में। तो उसमें मोस्ट बेसिक है आपको जैसे टाइलें लानी आनी चाहिए, तो उसका बहुत डिमांड है यहाँ पर। जैसे टाइलें लगा दी, फ्लोर डाल दी, आपको अगर थोड़ा सा भी आता है ना तो आप यहाँ पर कोई बिल्डर के साथ जाओगे तो वो आपको उसका रख लेगा, और दूसरा वो आपको पे भी ज़्यादा देगा। अगर किसी को 50 देता है तो आपको 60 देगा, ठीक है। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन की सीख करानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको टाइलें लगानी आनी चाहिए, थोड़ा बहुत और कंस्ट्रक्शन का बेसिक काम जो होता है वो अगर सीख कराना चाहिए तो आपको यहाँ पर ईजीली काम मिल जाएगा उसके साथ, बिल्डर के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपकी गुड अर्निंग भी होगी, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो लास्ट हमारी स्किल्स है 5th, वो है प्लम्बर की। हाँ जी, प्लम्बर की भी बहुत डिमांड है यहाँ पर, जहाँ प्लम्बर थोड़ा सा काम करने के ही 100-150 पाउंड ले लेता है। समझो आपकी एक टैब भी लीक करती हुई तो उसने आना 5-10 मिनट काम में, उसने 100 पाउंड लेकर चले जाना, ठीक है। तो हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते, तो आप सोच सकते हो प्लम्बर की कितनी यहाँ वैल्यू है। तो उसका अपना काम होगा और उसके लिंक्स इतने हो गए, ठीक है, अपना जितना काम करे कर सकता है, इतने मर्जी घंटे लगाए, तो वो उस पर डिपेंड है कितना काम कर सकता है, तो उतने उसके पैसे बनेंगे। तो ये स्किल्स थी 5। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके अलावा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, तो मेरी ID मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ठीक है जी, मेरी तो यही सलाह है, आप मानोगे, मुझे 4.5 मंथ्स हो गए हैं, तो मैंने ये फील किया है कि जिसको स्किल्स आती है वो क्या है, बढ़िया है, उसका चली जा रहा है, ठीक है, उसको जॉब की दिक्कत नहीं आती, एक जगह से मतलब हटता है दूसरी जगह मिल जाती है। जैसे हम आए थे तो हमने कितने काम चेंज किए, वो मतलब कई 10 दिन चलते हैं बस। अभी तो DPD में लगे थे, उसका भी काम कम हो गया, पहले ज़्यादा था क्रिसमस के पहले। अगर हमें कोई स्किल आती होती तो फ्री ना बैठते। तो मेरी तो यही आपके सभी से एडवाइस है कि आप कुछ ना कुछ स्किल सीख कर आओ। मैंने 5 स्किल बताई, पहली बताई मैंने ड्राइविंग की, दूसरी बताई मैंने सैलून की, तीसरी बताई कुकिंग की, चौथी कंस्ट्रक्शन, एंड लास्ट वन इज़ प्लम्बर, ठीक है। इनमें से आप कोई एक सीख कर आओ तो आप बढ़िया रहोगे यूके में, ठीक है जी। तो मेरी बात मानोगे तो बढ़िया रहोगे, याद रखोगे, किसी ने कहा था, हमें भी कहा था पर हमने मानी नहीं, ठीक है। तो आप मत ऐसा करना, हमें मेरे दोस्त ने कहा था जिसके पास मैं रह रहा हूँ, वो कह रहे सीकर आना बढ़िया रहेगा, तो आप ऐसे मत करना, ठीक है जी, आपको मैंने बता दिया। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि यूके वीज़ा कॉस्ट, स्टडी वीज़ा कॉस्ट एंड उसके प्रोसेस की, वो हमने अभी शूट कर लेनी है, वो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और चैनल कर लेना सब्सक्राइब, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, एंड वीडियो को भी लाइक करना मत भूलना।